अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप लोग होंगे खैरियत से। हक़ का एक और एपिसोड के साथ, इनफैक्ट जो हमारा लास्ट एपिसोड था उसी का ये अगला वाला पार्ट है। आज हमने लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था कि आज वाले प्रोग्राम में हमने जाना है कंक्लूजन की तरफ। वंस अगेन वी हैव इन द स्टूडियोज़ विद अस मिस्टर अदनान मिर्ज़ा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन। आज अदनान साहब, हमने कंक्लूजन की तरफ जाना है, जो हमने सारी बात की है उस दिन। थॉट प्रोवोकिंग सेशन हमारा रहा लास्ट वाला भी, और इंशाल्लाह होपफुली आज वाला भी रहेगा, और हमारे देखने वालों के लिए बहुत सारी नॉलेज जो है वो उसके अंदर हमने लास्ट प्रोग्राम में भी देने की कोशिश की। आज भी जो कंक्लूजन हम करेंगे इंशाल्लाह हम एक बहुत बेहतर कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। लास्ट जो हमने बात की थी उस दिन, उसके बाद ही जो बाइडन साहब का एक बयान आया जिसने तहलका मचा कर रख दिया, अजीब सी हलचल मच गई। जो कुछ पिछले दिनों हो रहा था उसको देखें और जो बाइडन के बयान को देखें, ये दोनों बिल्कुल उलट चीज़ें हैं। डोनाल्ड ब्लूम की 6 महीने की जो एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, वो फाटा भी गए, केपीके भी गए, फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर गए, लोगों से मुलाकातें हैं, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद जो है वो आप 2 दिन पहले के जो बाइडन के स्टेटमेंट को देखें पाकिस्तान के बारे में, तो ये दोनों 180 डिग्री जो है वो बिल्कुल अपोजिट नज़र आते हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, इस जियो पोलिटिकल सिचुएशन, वो मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा मेंशन किया था कि जिस एरिया में हम हैं, यहाँ पे पाकिस्तान बहुत क्रूशल है यूएस के लिए। जो आपने भी बताया, डेविड ब्लूम और जो बायरन का जो 180 डिग्री है, वहाँ पर कैरेट एंड स्टिक वाला एक उनका फॉर्मूला है, वो इस्तेमाल करते हैं। आपको कैरेट भी देते हैं, फिर पीछे से स्टिक जी भी बिल्कुल लगाते हैं, बिल्कुल तो पाकिस्तान के लिए चल जाता है। अब फिर आप, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में कि अब तक जो पिछले काफ़ी अरसे से होता आ रहा है, वो यही कि हम जो अमेरिका कहता है वो हम कर ही लेते हैं, ठीक है ना। चाहे उसके लिए ऑपोजिशन होती है मुल्क के अंदर, लेकिन कुछ ना कुछ करके हम वो कर ही लेते हैं। ज़्यादातर चीज़ें हम जैसे ठीक है अमेरिका चाहता है वो कर लेते हैं, और हम बेसिकली इसमें डिपेंडेंट इससे क्योंकि हमने इतने सारे लोन्स लिए हुए हैं, ज़्यादातर लोन्स हमारे डॉलर्स में, वो भी हमें रिपे करना है। फिर इसी तरह क्योंकि वो सब इसके साथ मिक्स इन हो जाता है, जी तो IMF जो है और जो वर्ल्ड बैंक है, वो फिर उसी बेस पे पाकिस्तान को थोड़ा और खेलने के लिए मोहलत दे देते हैं कि जब तक वो पाकिस्तान से जो अब उनका काम करवाना है वो करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब इस एरिया के अंदर जो सिचुएशन है, मेनली रशिया और चाइना, रशिया पहले, चाइना भी थोड़ा सा शायद बाद जी में, तो पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे है कि इजी एक्सेस है बेसिकली पाकिस्तान के थ्रू इन दोनों कंट्रीज़ के लिए, ठीक है ना। बाकी आप इस एरिया के अंदर जो कंट्रीज़ देख लें, वो अमेरिका को वो चीज़ नहीं दे सकती जो पाकिस्तान देगा, किसी तौर ठीक से है, एंटरटेन नहीं करते। किसी तौर। ठीक है, ये सब कंट्रीज़ के, इन लोगों की स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, और US को पता है कि ये लोग उस तरह से केविन नहीं होंगे जिस तरह आसानी से पाकिस्तान पाकिस्तान वाले हो जाता है। तो एक उस बेस पे उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर थोड़ी बहुत अपोजिशन भी चल रही है, तो इसी तरह से वो इस तरह से झटके पाकिस्तान को मिलते रहते हैं, कभी FATF में डाल देते हैं, कभी कोई सैंक्शन, कभी कुछ। वो बेसिकली मेन चीज़ उनको ये कि किसी तरह से ये हमारी बात मानते रहें और जो हम इनसे चाहते हैं वो करवाते रहें, बेसिकली ये उसी का हिस्सा है। और पाकिस्तान की बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं, एक फ़ाइल जो है उन्होंने हर कंट्री की खोली हुई थी, अब पाकिस्तान की शायद फ़ाइल खुल गई है। बार बार जो है ना, आप देखेंगे हर जगह पाकिस्तान का नाम आ रहा होगा। जिस तरह से उन्होंने एक केस बिल्डअप किया था इराक़ के ख़िलाफ़, लीबिया के ख़िलाफ़ और ईरान की तरफ, ये बेसिकली उसी तरह के, अफगानिस्तान की तरफ भी जो किया हाँ, था। तो ये उसी तरह की उनकी उनकी पॉलिसी है। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चीज़ें जो हैं वो सामने लेके आते हैं, और इस पाकिस्तान के लीडर्स को प्रेशर करके, भाई देखें हम जब भी चाहें कुछ भी कर सकते हैं, तो इट्स बेटर, इट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट के ना, जो हम चाह रहे हैं वो करें, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। और आपको क्या लगता है कि एक तो ये है ना कि रशिया और चाइना से जो है वो उसको मसला हो रहा है, और फिर ईरान से मसला हो रहा है। यहाँ इस खित्ते के अंदर एक और बड़ी ताकत है जिसने जो है वो इसी आप ईयर के अंदर देखें तो बड़ी शिकस्त दी है अमेरिका को, जिसकी जिससे अगर यूं कहा जाए कि सबसे ज़्यादा जलीसी इस वक्त होगी अमेरिका को, तो वो है अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान की हुकूमत है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को वो तालिबान के ऊपर किसी तरीके का अटैक करने की या तालिबान की गवर्नमेंट को कमज़ोर करने की कोशिश पाकिस्तान के ज़रिए से करने की कोशिश भी कर रहे हैं, या उसकी तरफ भी कर रहे हैं, या सिर्फ वही वाला फैक्टर है इकॉनमी वाला
और नहीं, करेंसी वो वाला। भी होगा, वो भी डेफिनेटली होगा। अब उसकी डिटेल्स तो हमारे पास इस वक्त इतनी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ें हैं। देखिए, सेंट्रल एशिया का जो एरिया है वो वैसे ही रशिया के साथ है, तो उसके साथ भी इन लोग, ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से कोई ताल्लुक बनाए, और उसके लिए अफगानिस्तान इनके साथ होना, इट्स एन एडेड बेनिफिट। और वो बिल्कुल चाहेंगे कि किसी ना किसी तरह से जो अफगानिस्तान के अंदर भी जो गवर्नमेंट है वो उनकी बात सुने। उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सुनी है, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो किसी हद तक सुनेंगे। आपको पता है अफगानिस्तान के काफ़ी एसेट जो हैं यूएस के अंदर ही ब्लॉक हुए हैं, और यूएस की वजह से यूरोप ने भी उनके कुछ एसेट्स ब्लॉक किए हैं, अच्छे खासे टेन जी इलेवन बिलियन डॉलर्स हैं। और वो चाहते हैं उसके बेस पे कोई ना कोई निगोशिएशन करें इनके साथ ना, तो डेफिनेटली आई मीन वो पाकिस्तान से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी ना किसी तरह उनको इस मामले में भी हेल्प की जाए किसी तरह से। जितनी ज़्यादा वो रशिया को बेसिकली रशिया पे प्रेशर डाल सकते हैं किसी तरह से, दे वुड वांट टू डू इट। हम अगर कंक्लूजन की तरफ जाएं, अपनी जो हमने आज जो गुफ्तगू की है, जो बाइडन का बयान है वो, और बाकी अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर से अगर हम बात करें कि अगर रशिया को और चाइना को निकाल भी दें हम फ़िलहाल के लिए, तो अगर हम बात करें मुस्लिम कंट्रीज़ की ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसके अंदर आप जो है वो उसको कैसे देखेंगे कि आया अमेरिका जो है और उसके अलावा ज्यूइश लॉबी जो है वो सप्रेस करने की कोशिश कर रही है किसी तरीके से जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको, पाकिस्तान समेत, टर्की है फिर, क्योंकि ये दो तीन ऐसी बड़ी इमर्जिंग पावर्स हैं। पाकिस्तान के तो बहुत सारे मामलात करप्शन के और दीगर हैं, लेकिन टर्की एक ख़तरा है, फिर ईरान एक ख़तरा है उनके लिए, अरेबियन कंट्रीज़ शायद उस तरह की नहीं है क्योंकि वो भी जो है वो पैसे और सौदेबाजी वगैरह ही हो जाती है, लेकिन ये दो तीन कंट्रीज़ इनके लिए बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान का, तो खैर नाम भी ले लिया उन्होंने फिर तालिबान की वजह से जो है, अफगानिस्तान भी है ऑफ कोर्स। तो अब को क्या लगता है कि अमेरिका जो है वो ये करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इन सब पे प्रेशर डालकर इनको दबाया जाए और उसके बाद जो है वो अपना रूल उसी तरीके से कायम रखा जाए, प्लस जो एक वक्त तक कहा जाता था कि जो स्टेट है अमेरिका की वो जो है वो क्रिश्चियनिटी की बेस के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नज़र आता है ऑफ कोर्स कि उनकी जो स्टेट भी है वो भी वही लिबरलिज्म वाली जो हमने उस दिन बात की थी, सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म, यानी कि किसी तौर से एथीज़म की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ करेंसी वॉर ही है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, या फिर ये करेंसी वॉर सिर्फ फ्रंट है और बैक के ऊपर जो है वो इसकी एक और एजेंडा भी चल रहा है? देखिए, यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वैसे तो सेकुलर है इन नेचर, आई मीन वो सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट का वहाँ पे है, लेकिन उनके जो कुछ फाउंडिंग फादर्स थे वो उन्होंने क्रिश्चियनिटी से भी कुछ चीज़ें बोरो की, और एक एक मेरे ख्याल से थॉमस जेफरसन उनके फाउंडिंग फादर थे, उन्होंने उनके पास कुरान, वो कुरान भी स्टडी करते थे, उनके उस ज़माने में दो वॉल्यूम का कुरान था, अच्छा खासा पढ़ा। तो बाकी चीज़ें वहाँ पर तो और भी, आई मीन इस तरह से लोग बोलते हैं कि अपना रिलीजन के अलावा भी और भी उनके लाइक सीक्रेट सोसाइटीज़ वगैरह का इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट पे, वो एक चीज़ है, लेकिन मेनली मेनली इनके है कि आप दुनिया के ऊपर हुकूमत कैसे करते हैं। ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद से हुकूमत करने का, दुनिया पे हुकूमत करने का स्टाइल है वो डिफरेंट है बनिस्बतन वो के जो वर्ल्ड वॉर टू से पहले होता था। ठीक है ना, वो कॉलोनी स्टाइल नहीं है इनका। ठीक है, अब ये वर्ल्ड पावर है, इन्होंने अब इस चीज़ को मेंटेन किया हुआ कि देयर ठीक है, आर मोस्ट, उन्होंने रशिया को अफगानिस्तान में पहले शिकस्त दी, इसीलिए क्योंकि उस वक्त वो इन दोनों के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी, और अब भी जो है जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनकी इंटेंट यही है कि बेसिकली इसको चैलेंज किया जाए, और वो उसको बेसिकली काउंटर करने के लिए जो भी मेथड उनके सामने आ रहा है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यूक्रेन और रशिया की जो आपस में चल रही है उसमें ये लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन वो भी जो है ना वो चल नहीं पा रहा, उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई, लेकिन रशिया ने अपना जो तेल है, क्योंकि ऑयल एंड गैस एक्सपोर्टिंग बिल्कुल कंट्री है और सबको आजकल
जो है ना, जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी ज़रूरतें बढ़ती हैं, लोग शहरों की तरफ आते हैं, उनकी ज़रूरत बन जा इलेक्ट्रिसिटी, ये वो सब मॉडर्न बिल्कुल ऐसे ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, तो उसके लिए आपको तेल चाहिए और रशिया के पास वो है, और वो बिल्कुल उसी तरह से जो है ना उनको इस्तेमाल कर रहा है, और उसको कभी यानी उस हालांकि उसके भी कुछ एसेट्स यूएस ने ब्लॉक किए हुए हैं, काफ़ी सारे उसने इसी इसी मकसद के लिए रखे हुए थे कि किसी दिन उसको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, लेकिन यूएस ने वो भी ब्लॉक कर दिया, और ये बेसिकली एक बहुत बड़ा वो है, और उसने पुतिन ने उसको कहा भी कि ये जो ना करेंसी को एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके खिलाफ, और ये बात ठीक भी है। हाँ ये बात ठीक भी है, लेकिन लेकिन अब इससे यही होगा ना कि वो जो जिस जो ये चीज़ चाह रहे हैं करने के लिए, अपनी करेंसी को प्रोटेक्ट करने, जो इनकी हरकतें हैं उस उससे तो यही लग रहा है कि बहुत जल्द ये चीज़ें क्रैश हो जाएंगी, ठीक है ना, और अब वो अपने उनके मुल्क के अंदर भी इन्फ्लेशन हुई हुई है, यूएस के अंदर वो उस बेस पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं, वो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते तो डॉलर को पाने की जो लाइक आप क्या कहते हैं मनी है, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता तो इट बिकम्स मोर कॉस्टली, तो वो जो अब जिन कंट्रीज़ के ऊपर डेट है यूएस का उनके लिए बहुत मसला है, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो वर्ल्ड वाइड क्रिएट हो रहा है, इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं, मिलियंस अपॉन मिलियंस हर जगह, यूरोप में भी मसले चल रहे हैं, अमेरिका अंदर खुद भी इश्यूज चल रहे हैं, फिर बाकी जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्री है, फिर आपका लेबनान के अंदर क्राइसिस, और मैंने ये बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग परेशान हाल हैं कि ऑलमोस्ट उनकी कॉस्ट डबल ट्रिपल हो गई कुछ चीज़ों के लिए, तो यानी बहुत सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं लोग ना, अब आप इवन पाकिस्तान के अंदर नोट करेंगे लाइक बहुत सारी चीज़ें अब मार्केट में बिकने के लिए आ गई, लोगों के पास अगर दो गाड़ियाँ थी तो वो कम कर रहे हैं, एक गाड़ी रख रहे हैं, अगर अपार्टमेंट या प्लॉट है तो आई मीन वो एसेट्स कम कर रहे हैं, क्योंकि आई मीन सर्वाइवल जो है वो इतना आसान नहीं है आजकल की इकोनॉमी के लिए, आजकल की इकोनॉमी के लिहाज से, तो मेरा तो यही ख्याल है कि ये जो बाकी इनके जो लिबरल एजेंडा है वो अपनी जगह है, उसमें कुछ लोग शामिल होंगे, लेकिन जो पावर स्ट्रगल है ना वो डिफरेंट ही है, ठीक है ना, उसके साथ साथ बाकी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, वो अपना ये भी मुसादत करना चाहते हैं, क्योंकि उससे ये होता है कि आप बहुत सारे एवेन्यू से अटैक करते हैं ना एक सोसाइटी के ऊपर, ठीक है ना, आपको यहाँ फाइनेंशियली भी अटैक कर रहे हैं, कल्चरली भी अटैक कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली भी आपके ऊपर हावी है, हर चीज़ से आपको अटैक, हुकूमत तो ऐसे ही की जाती है, हुकूमत ऐसे की जाती है, तो पार्ट यही है कि उन्होंने हुकूमत करनी है, अपना जिस जो उनका स्टेटस को उसको मेंटेन करना है, उसके लिए उनको कोई भी चीज़ जो सामने आती है उसको इस्तेमाल करते हैं, हर टूल को इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने जो बात की कि हुकूमत तो ऐसी की जाती है, लेकिन उसके अंदर ये ऐड करना रह गया है कि ये जो हुकूमत करते हैं वो हुकूमत तो ऐसी की जाती है, क्योंकि फिर वो ज़हनी ग़ुलामी वाली तो यही चीज़ होती है ना कि उनको उस मुल्क को या उस सोसाइटी को जो है वो एक तो ज़हनी ये टेंशन हो कि यार हमारे ऊपर इतना कर्ज़ा और ये बढ़ता चला जा रहा है, दूसरा फिर आप उनसे जो है वो उनकी वैल्यूज़ छीनते जाएं, जैसे कि हो रहा है हमारे साथ, और ये एक इसके बारे में अगर यूं कहें कि दो तीन दिहाइयों से ऐसा हो रहा है, 2-3 decades, अभी यही रीसेंट जो टाइम है इसी के अंदर ज़्यादा ये सब शुरू हुआ है, कर्ज़ा लेना भी हमने तब से ज़्यादा शुरू किया, फिर वैल्यूज़ भी हमारी तब से ही ख़राब होने शुरू हुई, फिर हमारी जो कल्चर जो है हमारा वो भी अब आप देखें ना अचानक से एक शिफ्ट आ रहा है, फिर हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, फिर हमारी लीडरशिप जो है वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बनती हैं, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे खुफिया रखी जाती हैं जिनकी IMF ने डिमांड्स की होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसी से रिलेट करती हैं। बिल्कुल, देखें आपको एक और एक एस्पेक्ट पर लेके जाते हैं कि आप ये देखें कि इन लोगों को जो एक मुस्लिम फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है रिलेटिव टू बाकी स्ट्रक्चर के, ठीक है, आप किसी भी उसमें चल जाएं, आप जूश फैमिली स्ट्रक्चर को देख लें, क्रिश्चियन फैमिली स्ट्रक्चर को देख लें, चाहे वो कैथलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो, फिर हिंदू, आई मीन हर जगह जो है ना फैमिली इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसिंग ना इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस में आपको प्रैक्टिसिंग भी एक एस्पेक्ट है उसमें, लेकिन जो भी उनका एक फैमिली जो होती है ना एक इंसान आई मीन एक सोसाइटी के वो फाउंडेशन वहाँ से निकलते हैं, फैमिली से कम्युनिटी से सोसाइटी, सोसाइटी से नेशन, तो वो जो स्ट्रक्चर है ना फैमिली का जो आपका स्ट्रक्चर है वो वहाँ पर
बहुत ज़्यादा आप कह लें कि डिग्रेड हो गया है या अंदर से इम्प्लोड हो रहा है, ऐसे ही, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ पर कहते हैं रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, आपस में बहुत ज़्यादा नफसा नफसी है, ठीक है। उनको नज़र आ रहा है कि इन द फ्यूचर जो है, अगर कोई सोसाइटी फंक्शन करेगी इंटैक्ट जिस तरह से करना चाहिए, क्योंकि आप देखें जब एक एक जब आपकी फैमिली कमज़ोर हो जाती है ना, फैमिली स्ट्रक्चर, तो इंसान सही तरह से फंक्शन नहीं कर बिल्कुल पाता। ऐसे ही। उसके पास जॉब होगी, उसके पास ये चीज़ें, देखें एक जहनी सुकून, वो यानी बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी उसके राइट पास, राइट ठीक है। वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ में अभी तक है, ठीक है ना, और वो इसको अटैक कर रहे हैं, ठीक है ना। उनके जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इशू है, उनका बर्थ रेट का इशू है। ये वेस्टर्न कंट्रीज़, ख़ासतौर पे यूरोप के अंदर कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो उनको बहुत थ्रेट फील करती हैं, क्योंकि उनके इमिग्रेशन इतनी हुई हुई है वहाँ पे, और उनको लगता है कि 15 से 20 साल, 30 साल के अंदर जो मुसलमान बच्चे होंगे उनकी अक्सरियत उनके बच्चों से कम हो जाएगी, सही है, ठीक है। सही है, और वो उनको नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी इस तरह से हो रहा ऐसा है। हो जाएगा। जापान के अंदर इतनी इमिग्रेशन नहीं है, लेकिन आप देख लें वो जापान का बर्थ रेट बिल्कुल नीचे आ रहा है, और बिल्कुल वहाँ ऐसे ही, पर ऐसे ही, पॉपुलेशन ऐसे कम हो ही। रही है। चाइना के अंदर, हालांकि चाइना के अंदर वो पहले तो उन्होंने वो जानबूझ के कम करने की कोशिश की, अब नेचुरली हो रहा अब है, नेचुरली वो नहीं हो पा नहीं रहा हो ना, वो रहा बढ़ ऐसे ही ही। नहीं पा रहा। उनको पता है कि ये ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, इनके लिए सस्टेनेबल लॉ ऑफ नहीं है, नेचर है ना ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो ये, और रशिया, रशिया एक इतनी बड़ी कंट्री है, रशिया के अंदर मुसलमानों की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, उनके जो बिल्कुल ऐसे साउथ ही। के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी यही है कि उधर पॉपुलेशन बैलेंस है, जहाँ पर मुसलमान नहीं है वहाँ पर बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर जो आदमियों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो कम है, क्योंकि वो एक तो ड्रग्स में है उनको, वो और फिर अल्कोहल एक इशू है उनके लिए। यूएस के अंदर भी आप देख लें ड्रग्स एक बहुत बड़ा इशू है ड्रग्स के अंदर, अल्कोहल और कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, और फिर ये साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ऐसे ही ना। है। यूरोप के अंदर भी इस तरह हो रहा है, तो ये इससे इनकी जो सोसाइटी है वो कलेप्स हो रही है, ठीक है। और उनको नज़र आता है कि भाई मुसलमान ही हैं जो उन्होंने अपनी फैमिली वैल्यूज़ अभी तक किसी हद तक मेंटेन किए, तो उसको किस तरह से अटैक किया जाए, किस तरह से चैलेंज किया जाए। क्योंकि पोटेंशियल आप देखेंगे ये है कि विद इन अ फ्यू ईयर्स जो लेबर होगी ना आपकी, जो यंग कॉम है, वो बेसिकली मुसलमान होंगे सलमान होंगे, ज़्यादातर, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, है ना। ये अक्रॉस द बोर्ड ऑलमोस्ट ये बिल्कुल ऐसे ही। कंसेंसस है, एंड दे आर थ्रेटन्ड बाय इट, क्योंकि उनको अपनी जनरेशन्स जो हैं वो ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं, तो उसको तो जाहिर है वो किसी तरह से भी चैलेंज करें, हर तरीके से अटैक करेंगे। तो आपके घरों में वो सॉफ्ट पावर की तरह वो कल्चरल तौर पर आपको, अब आप जैसा आपने बात की पिछले 25-30 साल से ये चीज़ होनी है, बिल्कुल सही बात है कि जब से ये सैटेलाइट टीवी बेसिकली हमारी बिल्कुल लाइफ्स बिल्कुल में ऐसे ही, आया है, ऐसे ही। उससे ही हमें एक्सपोजर मिला है, उससे हमारी नीड्स बढ़ी हैं, ठीक है ना। वरना हम लोग को ज़रूरत नहीं है बहुत सारी चीज़ें, डिस्टेंस खत्म हो गया ना, हाँ, तो वो हमें वही बताते हैं कि भाई ये चीज़ आजकल इन है तो हमें भी वही चीज़ चाहिए, एडवांस चीज है। एडवांस चीज़ है, ठीक है ना, न्यू एंड इम्प्रूव्ड है जी, ये, हालांकि कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, लेकिन बस वो हमें चाहिए, वो हमें अब चाहिए। हमारे दिमाग में भी ना, हम कोई चीज़ खरीदने भी जाते ना तो हमारे, सिर्फ पाकिस्तानियों की बात करूँ ज़्यादातर, कोई मेरी बात से जो है वो नाराज़ मत होइएगा, लेकिन ये एक चीज़ है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है। हम जो है कोशिश करते हैं कि इम्पोर्टेड चीज़ लें, बिल्कुल बिल्कुल जिस चीज़ ऐसे के है ऊपर इम्पोर्टेड का टैग नहीं होता है जी तो हम जो है वो उसको ख़रीदने में थोड़ा सा मायूब महसूस करते हैं। जी जी और अगर किसी ने हम में से इम्पोर्टेड, हालांकि महंगाई इतनी हो गई है, लेकिन फिर भी हमारी अप्रोच यही होती है कि हम जो है वो इम्पोर्टेड चीज़ ख़रीदें। जी ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। असल में इसके दो तीन एस्पेक्ट्स हैं। एक तो एस्पेक्ट ये होता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं हाँ, कुछ उसकी चीज़ों का है कि क्वालिटी का मसला क्वालिटी नहीं होता होते, है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अगर हम कोई चीज़ अपने घर में ला रहे हैं तो एटलीस्ट वो चले तो सही चले तो ना, सही। लाइक आई मीन जो काम जिसके लिए ला रहे हैं वो तो पूरा हो, ये एक अलग बात ये। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि हाँ, उसमें ब्रांडेड में आ जाता है कि हम कुछ चीज़ें, हालांकि ठप्पा वो शायद ये लगाओ कि वियतनाम का बना बन हुआ गया है, यहीं रहा होगा तो लेकिन भी है। डिज़ाइन अगर अमेरिका में और वो अमेरिका से वापस आ रहा है या यूरोप से वापस आ रहा है, तो हम उसके लिए बिल्कुल है, प्रीमियम देने के ऐसे लिए ही तैयार हैं, लेकिन हम अपनी अपनी साइकोलॉजिकल फैक्टर है हाँ बहुत। साइकोलॉजिकल इशू है, हम अपनी जो अपनी फैक्ट्रीज़ हैं या अपने लोग जो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इन लोगों का भी आई मीन जेन्युइन कंसर्न है कि भाई हम बनाएं लेकिन कोई ख़रीदा रहा ही नहीं है खरीदना ही नहीं हमसे, चाह हम रहा, क्या बनाएं। बिल्कुल ऐसे ही अब चाइना ने जो है हमारे पर बहुत सारी चीज़ें फ्लड कर दी, हमारी मार्केट ख़राब हो रही है, खराब हो इसकी गई। वजह से हम उस कंपीट नहीं कर पा बिल्कुल रहे ना। बिल्कुल ऐसे ही। इन्हें लोकली हमारी इलेक्ट्रिक इतनी महंगी है कि हम
चाइना के साथ कंपीट ही नहीं कर पाते हैं। हालांकि आई मीन उनकी भी क्वालिटी को इतनी खास बेहतर नहीं होती, हम बना सकते हैं लेकिन हम इसलिए नहीं बना पा रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक कॉस्ट बढ़ महंगी, जाएगी। कॉस्ट ऊपर चले जाएंगे, फिर जब हम कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पर टैक्स लगते हैं, ये सब चीज़ें ऐड इन होकर ना फिर हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाता है, चाइना से आई हुई चीज़ और चीप पड़ती है, तो हम अपनी इंडस्ट्री को खुद तबाह कर रहे हैं। ख़त्म हो रही है, और इंडस्ट्री ख़त्म होने का मतलब यह है कि आप जो है ना मजीद गुलाम बन गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक तरफ से है वो, अगर हम बात करें कि अमेरिका और यूरोप हम पे अटैक किया हुआ है, दूसरी तरफ अगर हम कहते तो हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, बहुत सारी चीज़ों में उसने हमें साथ भी दिया है, लेकिन हमें ये भी सोचना ज़रूरी है, जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है, या मैं अगर कहूँ कि मेरी अपनी एनालिसिस है, कि हम ये नहीं सोच रहे कि चाइना हमारा दोस्त तो है, हम उनसे चीज़ें ख़रीदते तो हैं, लेकिन उससे ये भी तो हो रहा है कि हमारी अपनी फैक्ट्रीज़ जो है वो ख़त्म हो रही हैं, हमारी जो वर्क फोर्स थी जो उन फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करती थी, उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करती थी और उनका घर चलता था, वो सब बेरोज़गार होते चले जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से बढ़ती चली जा रही है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हमारे यहाँ कोई नहीं सोच रहा, ना गवर्नमेंट सोच रही है, ना इदारे सोच रहे हैं, और ना मजमूई तौर पर, क्योंकि हमारे अंदर इत्तेहाद की कमी होती जा रही है, इत्तेफाक की कमी होती जा रही है, तो फिर हमारी से निकल निकल कर हर कोई जो है ना, हमारे वाले जो सर्कल होता है उससे निकल निकल कर जो है वो बाहर चला जा रहा है, और मैं की बात हो रही है, बिल्कुल ऐसे मेरा ही घर, मेरी फैमिली, और ये जो है वो मज़ीद तबाही की तरफ हमें लेके जा बिल्कुल। रहा है। देखें ये आपने जो बात की ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखें ये जो आपके अंग्रेज़ अंग्रेज़ जो थे यहाँ पे उन्होंने हुकूमत डिवाइड एंड कॉन्कर उनका एक बिल्कुल था, उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही है। डिवाइड किया और कॉन्कर किया, तो वो पॉलिसी अभी तक लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हमें आपस में बंटवा दिया है और हम जो है फिर उसी, क्योंकि वो उस उन्होंने बंटवा दिया और तो उन्होंने हमें फिर कॉन्कर कर लिया। अब जो जैसे चाइना ने हमें, आप उनको कह लें कि हमारे दोस्त हैं, और लेकिन वो अपने उनका बिल्कुल मकसद ऐसे ही पूरा अपने हो गया। मतलब उनका वो मकसद अब उन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स पाकिस्तान के साथ किए हैं, जब कोई फैक्ट्री भी लगाई है या कोई प्लांट लगाया, उस पर उन्हीं की लेबर आके काम करती है। ठीक है ना, तो टेम्प्रेरी जॉब्स मिल जाएंगी किसी पाकिस्तानी को, ऐसे ही लेकिन है, लॉन्ग टर्म नहीं है। परमानेंट नहीं होता ठीक है कोई। ना, लॉन्ग टर्म वो अपने ही लोगों को देता है, उसके बेस और उसको बेस बना के वो पाकिस्तान से बहुत सारे कंसेशंस लेते हैं। ठीक है ना, टैक्स ब्रेक्स भी हो गए और भी बहुत डिफरेंट सारी चीज़ें हैं। कंसेशन है। मुझे, मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे ऐसा लगता है बाज़ औक़ात, मतलब अब पता नहीं ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन दी हिस्ट्री अगर हम देखें, तो जो हमारे साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था ना, तो वही काम आज चाइना कर रहा है। टू मतलब एन मुझे एक्सटेंट मुझे ऐसा लगता है, मतलब अगर इसको कहीं ना कहीं हम जोड़ने की कोशिश करें ना, तो ये पज़ल्स मिलकर फिर वही कहानी बनाते हैं, वही पिक्चर ऑलमोस्ट बनती आप है। कह सकते हैं, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि कुछ कुछ इसमें जरासीम नज़र आते हैं उस चीज़ वही के, है, लेकिन वही ना, अमेरिका भी आपके साथ ऑलमोस्ट उसी तरह वही की वही गेम सिनारी खेलता कर रहे है। हैं। देखें बिल्कुल क्योंकि अमेरिका के वो डॉलर की बेस पे कर रहे हैं, स्टाइल डिफरेंट है ना, कर चीज़ वही रहे, बट इट्स जस्ट द वे दे आर डूइंग इट इज़ डिफरेंट। ठीक है ना, उनको वो अंग्रेज़ों ने यहाँ आके लोगों को अपना गुलाम बनाया, वो बेसिकली पैसा दे के आपको गुलाम बनाते हैं, वहाँ से वो प्रोजेक्ट दे के आपको गुलाम बनाते हैं, गुलाम उन्होंने आपको बनाया हुआ, बेसिकली दैट्स ये, बॉटम अगर लाइन मैं है। ये अगर मैं इसको ये यूं हम कनेक्ट कर सकें कि हम वो जो टाइम था हमारा 18th सेंचुरी वाला, तब से जो हम गुलाम बनते शुरू हुए हैं, गुलाम बनना जब शुरू हुए, तो हम आज तक जो है वो उसी सिचुएशन में हैं। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि हमारी जो है ना वो हम पहले कहीं और थे, सरहद जो है वो नहीं थी, अब सरहद बन गई है, तो गुलामी अभी तक जो है वो उस तरह से जारी है। अगर हाँ, अब ये कह सकते हैं हम कि अगर एज अ नेशन इंडिया की अगर बात की जाए, तो वो हमसे थोड़ा सा बेहतर चल रहे हैं, उनकी पॉलिसी भी अच्छी है, लेकिन हमारी वाली जो साइड है उसको हम जो है वो ठीक करने की कोशिश किसी तरह नहीं कर रहे। इवन के बांग्लादेश, वहाँ पर भी चीज़ें बहुत बेहतर होती चली जा रही हैं, हमसे करेंसी भी उनकी जो है वो बेहतर हो गई है, तो हम जिस तरफ जा रहे हैं, तो ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और इसमें सेल्फ असेसमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल। और जैसे आपने बांग्लादेश और पाकिस्तान, आई मीन इंडिया की साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करने के, एंड इट्स ट्रू कि वहाँ पे वो चीज़ नहीं हुई जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। ठीक है ना, और इसकी मेन एक वजह ये है कि हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चरल जो सिस्टम्स बने हुए थे उस ज़माने के, वो अभी तक वैसे ही हैं, बिल्कुल उसमें चेंजेस नहीं आए अपग्रेड ना। नहीं किया हमने। अब हमने बिल्कुल, देखें अगर आप एक
एक सिस्टम से लड़ झगड़ के आपने ये मुल्क लिया, तो एटलीस्ट उन सिस्टम्स के अंदर वो अनासिर तो आप छोड़ देना जिसकी वजह से आप गुलाम रहे, लेकिन आपने वो चीज़ मेंटेन की हुई है, मेंटेन की, बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये पॉइंट है, वो गुलामी जो चीज़ आपको गुलाम बनाती है वो अंसर अभी तक मौजूद है, वो आप वहां से वो लेके आ गए जब आपको वो हाँ छोड़ के आना था। आपको छोड़ के आना था, ठीक है। और इंडिया के अंदर यही चीज़ हुई कि उन्होंने उसको उखाड़ने की कोशिश की है, बिल्कुल, और कितने हद तक वो सक्सेसफुल हुए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बट दूर से तो ऐसा लगता है दे काफी सक्सेसफुल हो हाँ गए। जी हाँ बिल्कुल। और इसी तरह बांग्लादेश को भी इसी तरह से देख लें कि वो चीज़ वहाँ पर उस लेवल पे नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है। तो ये पाकिस्तान को रियली ये वो टाइम है कि हमारी जो जनरेशन्स हैं, चाहे वो ओल्डर हैं यंगर हैं, सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत है हर लेवल पे कि हम यहाँ से आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को 5 साल में कैसा देखना चाहते हैं या 10 साल में किस तरह देखना चाहते हैं, क्या इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। और वो हर हर इंसान को, हर फैमिली को अपने तरफ से देखना है कि अपना वो रोल कैसे प्ले अपना किया, रोल कैसे प्ले करेंगे, वो इस बड़ी पिक्चर में किस तरह फिट होते फिट हैं, होते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है। तो ये सब पे ही बेसिकली हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अपना मुहासिबा करें एक तरह से। वो जो सर्कल हमने छोड़ा, हम वाला, मेरे ख्याल है कि वो उसके अंदर हमें एंटर होने की सबको ज़रूरत है, कि हम बजाय इसके कि मैं और मैं की बात हो, हम और हम की बात होनी चाहिए। तो बेसिक जो फ़र्क जो आता जा रहा है वो पहले तो उस सर्कल के अंदर दोबारा से एंटर किया जाए, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप मेरी बात को सेकंड करें तो। देखिए मेनली आपको यूनिटी जो होती है वो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। अगर हम सब मिलके यही सोचेंगे कि हमें पाकिस्तान का तो अगर हम पाकिस्तान का मफाद सोचेंगे, इसमें हमारा ही पाकिस्तान के पहले मफाद, उसमें आना जी पड़ेगा। बिल्कुल, हमें यानी उससे हम सबको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हम अभी तक यही सोचेंगे नहीं भाई अगर मैं अपना ही करूँगा वो दूसरा मेरा नहीं करेगा, तो हम इसी में ही रहेंगे, हम अपना अपना ही करते बिल्कुल रहेंगे। जब बिल्कुल, तक हम वो वैल्यूज़ नहीं लाएंगे अपने अपने अंदर के जो बेसिकली इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, यूनिटी, जिन वैल्यूज़ पे मुल्क हासिल किया, हमें मुल्क हासिल किया, हर जगह लिखा होता है यूनिटी, डिसिप्लिन, फेथ, फेथ, वो चीज़ें हमें अपनी लाइफ्स में इनकॉर्पोरेट करनी होंगी। वो आपके घर से शुरू होती है, फिर आपके मोहल्ले से, इसी तरह से वो यानी कम्युनिटी से, सोसाइटी, नेशन के अंदर, यानी किसी को ये फ़र्क नहीं महसूस होता कि मैं अगर इस शहर से आया हूँ या इस शहर के इस कोने से आया हूँ, आई एम डिफरेंट, वीर हमारी हमारी आइडेंटिटी सेम है, ठीक है ना। और हमें बेसिकली इस मुल्क में ही रहना है, और ये बेहतर होगा तो हम भी बेहतर होंगे, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। अगर हम इसी को ही नुकसान पहुंचाते रहेंगे खुद, यानी हर इंसान बस अपने बारे में सोच रहे, तो फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर रहे हैं, और बेसिकली आप उसकी सिचुएशन, आप सूरत हाल आपके सामने आज क्या क्या हम लोग कैसे हैं, हम लोग किस तरह रह रहे हैं, और हमारी क्या इज्जत है दुनिया के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। तो बेसिकली अगर हम फाइनल कंक्लूड अगर इसको करें हम, तो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर अगर आपको दुनिया के अंदर जो जारी करेंसी वॉर है, इसके अंदर या तो आप हार मान जाएं और आप जो है वो गुलामी की जंजीरें पहनकर बैठ जाएं, कि आपको जो चाहेगा जैसे चलाएगा वो आप चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, और या फिर अगर आप ये चाहते हैं इस करेंसी वॉर के अंदर जो है वो आप भी लड़ेंगे, और लड़कर लड़ना भी है जीतने के अज़म से, ये नहीं है कि हमने जो है वो सिर्फ लड़ना है और ट्राई करना है कि भाई हमने कोशिश की है। जैसे कि एक फील्डर जो है वो बॉल के पीछे भागता है, उसके अंदर जुनून नहीं होता उस बॉल को रोकने का, लेकिन वो इसलिए भाग रहा होता है कि मेरे पीछे कैमरे लगे हुए हैं, वो देखेंगे कि मैं भागा हूँ या नहीं भागा। तो ये बिल्कुल वाली बात हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल देखिए आपको आपको अभी से ये सोचना पड़ेगा कि आगे जिस तरह चलना है उसको, उस गोल को हासिल करने के लिए फिर क्या चीज चेंजेस करने, आपने अपनी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है, ठीक है ना, बेसिक नीड, बेसिक नीड। और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप देखें, आप शायद हर तरीके की जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल ना हो, लेकिन एक एजुकेटेड सोसाइटी जो है वो हमेशा एक एसेट ही रहती है, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आपने चेंज करनी है, आपने प्रायोरिटीज़ अपनी चेंज करनी है कि आपने एजुकेशन पे फोकस करना है, हेल्थ केयर पे फोकस करना है, यानी ये बेसिक राइट्स हैं जो बहुत सारे ममालिक जो तरक्की, आप जिन जिन मुल्कों को हम देखते हैं कि भाई इन्होंने कहाँ से कहाँ प्रोग्रेस किया, उन्होंने इन चीज़ों पर फोकस किया, ठीक है ना। सेक्रीफाइसेस की लेकिन फोकस इस पे किया कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की अपनी फ्यूचर जनरेशन पे, वो हमें करने की ज़रूरत है। जब हम सब
में बेसिक लिटरेसी रेट जो बढ़ जाएगा, आप देखेंगे उससे बहुत सारा फ़र्क पड़ गया, आपके सिस्टम्स बनेंगे, लोग लोग जो हैं वो जिस तरह से आजकल चीज़ें चल रही हैं वैसे नहीं, लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि रोड जो है वो एक बिल्कुल एक साल बिल्कुल तक नहीं बना या एक महीने तक बना। ये तालीम ही देती है ना, ये ये तालीम शऊर। देती है ना, शऊर देता है, आपको बताता है कि भाई ये आपकी राइट्स हैं, आपको इस तरह से आपको ये मिल सकता है और ये मिलना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से आप करेंगे मिलेगा। लेकिन अभी हम बस बैठे हैं जहाँ पर रह रहे हैं, जिस तरह रह रहे हैं, वो कचरा नहीं उठता महीनों, कोई मसला नहीं है उसको, हम आग जला देते हैं, इन्हें हम ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जिससे जो है ना नुकसान पे फॉरन यूज्ड टू नुकसान हो हो जाते रहा हैं है। हम। हाँ, और यूज्ड हो जाते हैं, बिल्कुल यूज्ड हो जाते हैं आप, इन्हें एक आप कहीं से भी बाहर से आएंगे, आप डिसिप्लिन होके यहाँ आते हैं, यहाँ आके आप यूज्ड हो जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल यहाँ की तरह, ठीक है, थोड़े दिन वो यहाँ लगता है यहाँ रहना है तो ट्रांजिशन ऐसे ही का। करना हाँ पड़ेगा। हाँ तो वो एक बहुत गलत बात है कि आप अच्छी हैबिट्स को छोड़ के जो है ना फिर बुरी हैबिट्स अपना लेते हैं, फिर वो इस तरह से वो चलता ही रहता है। तो जो वो जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक आप अपने जो आपके लोग हैं आप उनको एजुकेट करें, अवेयरनेस फैलाएं चीज़ों की और उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करें, ठीक है ना, जितनी जितनी सहूलतें आप उनको अपलिफ्ट करने के लिए लगाएंगे, ये एक इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए, बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेंगी लेकिन दिस इज़ द वे टू गो। इंशाल्लाह। और उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम इस सोच के साथ जो है वो अपनी आने वाली नस्ल के लिए सोचेंगे, आज कुछ करेंगे ताकि हम कल के लिए अपनी आने वाली नस्ल के लिए इन्वेस्ट कर सकें, बेहतर इन्वेस्ट कर सकें, ताकि हमारी कल की जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारी कल की नस्ल है, वो इस मुल्क को संवार सके, बना सके और उन ग्राउंड्स तक पहुंचा सके जो हमारी बेस थी, पाकिस्तान का मतलब और पाकिस्तान की नज़रियात जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेस करती है। तो हमने तो दुनिया के लिए जो है वो एक मिसाली नेशन बनना है, तो हम मिसाली नेशन उसी तरीके से बन सकते हैं कि जब हम उन वैल्यूज़ को अडॉप्ट करेंगे और अपनी अपनी इनफरादी ज़िंदगी के अंदर, अपनी फैमिलीज़ के अंदर जो है वो उस नज़रिए को नाफिज कर सकेंगे। एम आई राइट? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो वो आपसे थ्रेटन है इसलिए आपको अटैक कर रहे हैं, लेकिन आप जो है उसमें आ रहे हैं और आप उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जहाँ जहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं वहाँ आपको जाना नहीं है। बस आप उनकी सोसाइटी का अगर जायज़ा ले लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो अपनी वैल्यूज़ को और कल्चर को अपनी फॉलो करते हुए कहाँ पहुँचे, और आपको समझ में आ जाएगा कि यह रास्ता गलत है और आपने फिर दूसरा रास्ता चुनना है जो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच अरनान मिर्ज़ा साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये प्रोग्राम जो हमने लेकर आया आपके लिए करेंसी वॉर का, उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो जमा करके आपके सामने रखी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, कुछ चीज़ों का एनालिसिस दिया आपको, और इसके बाद कंक्लूजन के अंदर हमने कुछ अवेयरनेस के हवाले से बात की, कुछ तब्दीली की बात की जो हमारी अपने अपनी इजाद से शुरू होकर और इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क को आगे लेकर जा सके। तो आपने हमें बताना है कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।